नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। काफी लोग कुछ पूछ रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे आएंगे, आइए प्लेलिस्ट पे आइए, जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक पूछते हैं, यहाँ पे चार प्लेलिस्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी की लोग पूछ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट खोलिए। इसमें तीन स्ट्रेटजी मैंने दे रखी है, जिसके अंदर एक्सपायरी वाली स्ट्रेटजी भी है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। दूसरे जो स्टॉक्स पूछते हैं उनकी लिस्ट इसके अंदर है, कंपाउंडिंग मनी, एफले, इंडिया मार्ट, डाटा एलेक्सी, दीपक नाइट्रेट और भी जो जो है वो उसके इसके अंदर है, कंपाउंडिंग मनी वाली जो प्लेलिस्ट, ठीक है। और अब ट्विटर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को। और क्या कहते हैं, आप अपस्टॉक्स में कोई अकाउंट खुलवाना चाहता है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप मेरे थ्रू रेफरल एजेंट, उन्होंने मुझे बनाया है, आप मेरा रेफरल लिंक यूज करके अपस्टॉक्स का अकाउंट खोल सकते हैं। फायदा अपस्टॉक्स में यह है कि जीरोधा कई बार क्या, वो बैंक निफ्टी की बाय नहीं करने देता 100-150 पॉइंट से ऊपर नीचे की, ठीक है। तो कहीं जिसको 200-300 उसकी आगे की कोई पी या कोई सी बाय करनी होती है, अपस्टॉक्स में ऐसी कोई समस्या नहीं है, उस हिसाब से अपस्टॉक्स बढ़िया है। तो डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक आपको मिल जाएगा, अपस्टॉक्स का रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको इन केस खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। आइए अब हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, बाकी जो बैंकिंग के, सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो मैंने हार्श बोल दिया, पर बाकी लोगों के देखो ये 17,500 की पी है, 520 की इसकी बाइंग प्राइस है, जिसने मेरे साथ बाई किया होगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं मैं इसको 520 से ऊपर दिखा दूंगा, ठीक है। नहीं तो जहां मैं एवरेज करूंगा, आप मेरे साथ एवरेज कर लीजिएगा, आपका प्रॉफिट इसमें मैं निकलवा दूंगा, विश्वास कीजिए, ठीक है। 2019 में जब मैं मैदान में उतरा था सीख के, 2019 से 2021, बस अगले जनवरी में करेक्ट 3 साल हो जाएंगे, ठीक है, ये जब जब मैंने इसको प्ले किया है आज तक फेल नहीं हुआ हूं, ठीक है, आज तक फेल नहीं हुआ हूं मैं, ये इसको छूने के लिए आए, ठीक है। बस आप थोड़ा सा सबर रखिए, 10-15 ट्रेडिंग सेशन तो मैंने आपसे मांगे थे, एक ही तो हुआ है आज, ठीक है। और बोलने से पहले ही बोल दिया था, जो स्पेशली वीडियो निकाल के बोला था कि बी रेडी कि इसको एवरेज करना पड़े, ठीक है, नहीं बोला था तो ये देखो, मैं ये रही वीडियो, उसका थंबनेल ही 17,500 की पुट है, कहाँ है वो, टक 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 टक, सॉरी थंबनेल तो ये उस पर लिखा है मैंने, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ यार, 30 सेकंड की वीडियो भी अगर आप लोग अच्छे से नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा भाई। जहाँ उनकी नजर हो आप वही नजर, कमेंट कर रहे हैं लग गया पता बेटे, ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, अरे भैया बेटे तुझे लग जाएगा दोस्तों, ये क्या कहते हैं, ये नीचे दिख रहा होगा 17,500, अभी 520 चल रहा है अक्टूबर का, ये चल रहा है 520, ये मैं बाय कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ बाय कर रहा है प्लीज बी रेडी टू एवरेज इट, ठीक है, प्लीज बी रेडी टू एवरेज इट, चाचा अब बोल रहा हूँ प्लीज बी रेडी टू एवरेज इट, सुन लीजिए, करना पड़े चाहे 5 दिन बाद करना पड़े, और जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा जो कि मुझे उम्मीद है होनी चाहिए, मैं 30 सेकंड की वीडियो में आपने ये तो सुन लिया कि 17,500 की पुट लेनी है, एक दिन वो घट गई आप हालत पतली हो रही है, अरे भैया मैंने ये भी तो बोला है प्लीज बी रेडी टू एवरेज इट, वो नहीं सुना आपको, तो जब नहीं है हिम्मत एवरेज करने की तो काहे बाय कर रहे हो, ठीक है। मैं जब एवरेज करूंगा आप लोगों को बता दूंगा, आपसे विनम्र निवेदन है कृपया 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन आपसे मैंने मांगे हैं वो मुझे दीजिए, ठीक है, वो मुझे दीजिए और आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये रहा, रात को फिर वीडियो बना के बोला GT प्रॉमिस, वेट फॉर नेक्स्ट 15 सेशन, आज तो एक ही निकला है, ठीक है, रुक तो जाओ भाई, हो जाएगा, चलिए
उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है वो आएगी। आइए बैंक निफ्टी के ये स्टॉक्स का एनालिसिस शुरू करते हैं और एक बार को, क्योंकि काफी आइडिया लग जाता है और मैं आपके सामने ही करता हूँ थोड़ा सा कभी कभार कुछ, तो उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर दे, और डिस्क्लेमर हर वीडियो में देखता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह ले लें। आज तक किसी ने ली होगी वित्तीय सलाहकार से सलाह, ठीक है? तो ये है दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, ठीक है? इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो ना देखें, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी आपको करना है तो प्लीज अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, जिसको पता हो भैया लक्ष्मी जी के दर्शन कैसे करवाने, ठीक है? तो आजी ये है SBI का चार्ट। SBI के चार्ट में कल हमने एक ट्रेंड लाइन खींची थी जो आप कह सकते हैं कि टूट गई, ठीक है? तो कह सकते हैं कि टूट गई है, पहला टारगेट निकल के आता है, ये अब इसके रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है? और फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 425, दूसरा टारगेट निकल के आता है 421, ठीक है? और 427 के ऊपर किसी को याद हो तो मैंने बाई बोला था 432 के टारगेट की, हाई देखिए आप 433 कुछ लगा के, ठीक है? 5 पॉइंट इसमें दबा के प्रॉफिट लिया। अब आ जाइए RBL बैंक में, ये थोड़ा सा डेली चार्ट पे मैंने खींच के बताई थी, तो थोड़ा तरीके से ऐसे आ गया भाई, और ये इसकी अपसाइड यहाँ पे हमको कैप दिख रही है, और ये नीचे कौन सा ट्रायंगल हुआ, अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल हुआ, असेंडिंग पता नहीं भाई कौन सा ट्रायंगल हुआ, ठीक है? ऊपर की तरफ देखते हैं डेली चार्ट में, क्योंकि इसका तो स्ट्रक्चर खराब था पूरा, आ गया देखो ये रहा 20 EM में, ठीक है? इतने खराब बैंक को जो यहां से गिरता चला आ रहा है उसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन में नीचे 157 से 163 आना पड़ा, ठीक है? कितना 10% से ज्यादा इसको राइज करना, 10% के लगभग इसको राइज करना पड़ा अपनी इस 20 EMA को छूने के लिए, ठीक है? और इसी का मैं टारगेट आपको दे रहा था 172-173। सुन लीजिए, पिछले 3 दिन में RBL बैंक में जो मैंने बोला है उसको जरा सुन लीजिए, ठीक है? इस लेवल की तो स्टडी है दोस्तों, ये दिख रहा होगा, ठीक है? इसी को छुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा दो ना, ये देखिए, ठीक है? किसी ऐसे वैसे चैनल पे नहीं है आप, तो ये है। अब इसमें अब ना बाय करें ना सेल करें, हाँ इस लेवल के ऊपर जरूर बाय करें, ये लेवल निकल के आता है 177, ठीक है? 177 के अगर आप बाय करेंगे ऊपर तो अगला टारगेट आपका 183 और 185। बस सेल साइड की रिकमेंडेशन इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे ही है, तो आपका टारगेट है 162, पहला टारगेट 165, दूसरा टारगेट 162। RBL बैंक सिंपल ट्रेडिंग बनी हुई। ये है आपका कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक दोस्तों, आप याद करो मैं क्या बता रहा था कि भैया ये स्ट्रक्चर है जो बुलिश, ठीक है? ये स्ट्रक्चर जो है ये बुलिश है कोटक बैंक का, और इसमें ये ऊपर की तेजी दिखाएगा, और जो मैंने लाइनें खींची हुई है वहीं पे आके रुका है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस है, वहीं पे आके रुका है, और ये ऊपर जाने का दम रखता है भाई। अभी भी मैं जिस चार्ट को देख के बोल रहा हूँ, ये 1800-1520 को भी काटने का दम रखता है, ठीक है? अगर ये 1790 के ऊपर होल्ड करता है तो इसको बाय कीजिए 1820, 1850, 1820 के लिए कोटक बैंक, ठीक है? स्ट्रक्चर ये बुलिश, मैंने आपको बता दू कोटक बैंक, यहां पे भी बता दिया था, आज फिर बता दू, ठीक है? एक्सिस बैंक में तो हेड एंड शोल्डर बना ही है, डेली चार्ट निकाल के देखते हैं। वो सीमित दायरे में काम किया यार, 792-806,
यार कुछ नहीं है, जब ऐसा कुछ हो ना, पिछली कैंडल इतनी खराब बनी हो, अगली कैंडल ने इतना कुछ ना आपको डायरेक्शन दिया हो, सिंपल है, इसका हाई मार्क करो, ठीक है, इसका लो मार्क करो, तेजी होगी तो इसके हाई को पक्का काट के ऊपर ट्रेड करेगा, तो फिर इस कैंडल का हाई आपका हो जाएगा टारगेट, इसकी नीचे की लो काट के जाता है तो इस कैंडल का जो गैप है ये हो जाएगा आपका टारगेट 789, दूसरा टारगेट हो जाएगा आपका 770, बस। जब भी ऐसा अनडिसाइसिव हो उसका हाई लो मार्क कर ट्रेड करो, ठीक है, कोई पैटर्न कोई कुछ नहीं, कैंडल स्टिक भी ऐसी है, कोई दाग उसमें है नहीं। अगला है आपका इंदुसिन बैंक, इंदुसिन बैंक की कैंडल देखते हैं कैसी बनी। रेजिस्टेंस पे है बट अच्छा, अच्छी कैंडल है भाई, मतलब बैंकिंग सेक्टर पर वो एक्सपायरी वाला दिन था, ठीक है दोस्तों। बैंक सेक्टर, बैंक निफ्टी काफी कुछ बोल रहे होंगे तेजी की तरफ, पर निफ्टी एक ऐसे टेक्निकल है उसे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, उसको एक बार तो गिरना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद उसे अगर दोबारा 18,000 जाना है वो रिव्यू करेंगे, बट फिलहाल तो उसे एक बार गिरना पड़ेगा। थाउजेंड एंड टेन ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, 1010 के ऊपर बाय कीजिए, 1025 1040, 1010 अगर होल्ड करता है उसके ऊपर टिका रहता है तो 1025 1040 आपका क्या कहते हैं टारगेट है, और इन केस नीचे 1000 टूट जाता है तो 975, 1000 के नीचे 975 फिलहाल आज की कैंडल को देखते हुए इसको 1025 1040 जाने की दावेदारी दिखा रहा है, ठीक है, ये दावेदारी पेश कर आईसीआई बैंक, पर आज एक्सपायरी है तो इसकी कंफर्मेशन अगले दिन जरूर आनी चाहिए, ठीक है, कोई खास कैंडल नहीं बनी है दोस्तों, बनी दे है ग्रीन कैंडल बट कल जहां ओपनिंग थी इसके ऊपर तो इसको बंद करना चाहिए था, कौन सा लेवल है ये 727 के ऊपर इसको बंद कर देता, 726 कुछ ही पैसों की वजह से रुक गया नीचे, तो ये बहुत अच्छी एक वो मानी जाती, तो 717 के नीचे सेल करना, टारगेट आपका 700, ठीक है 717 के नीचे सेल करेंगे, पहला टारगेट 714, दूसरा 709 और तीसरा 700, बाय इस लेवल के ऊपर 727 के ऊपर, 727 होल्ड करता है बाय कीजिए, 735 आपको देखने को मिल सकता है आईसीआई बैंक, और ये है आपका, अरे भैया ये तो 30 मिनट के चार्ट में हेड एंड शोल्डर बन रहा है इसमें, को टक 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 593 इसके ऊपर भी चला जाएगा 1620, 1600 पे तो टारगेट वैसे भी है, पर एक दिन और मचा है, चलिए 1597 और 1600 HDFC बैंक आपको दिखा सकता है, ठीक है, और ये इस चैनल के ऊपर इसकी ग्रीन कैंडल के साथ हाईएस्ट क्लोजिंग है, HDFC बैंक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, ये पूरे जितना ये इसने वनवास काटा है ये वाला, और ये कब से है अप्रैल, मार्च भी आप जोड़ लीजिए इसमें, तब का जो वनवास है उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, ठीक है भाई 1592 पार्ट के ऊपर चलता है तो बाय करिए 1600 1597 और 1600 HDFC बैंक, ठीक है, जो चार्ट बोल रहा है मैं आपके सामने वो बोल, पर ये बाय साइड इंट्राडे ट्रेड है ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जो बाय साइड के ट्रेड है वो सारे इंट्राडे है, कुछ कैरी मत करके चले जाना, क्योंकि मार्केट में जो निफ्टी का चार्ट है वो बोल रहा है कि एक गिरावट बहुत जल्दी लाजमी है और जो आनी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।